जो बच्चा जिस संस्थान में पढ़ता है और अगर वो दिल से जुड़ जाता है तो उसका जहाँ सेलेक्ट होता है तो उनका दिल जो होता है उस संस्थान के प्रति होता है। और उसमें ही एक बंदा पवन सेन हैं जिन्होंने लगातार अपनी मुख जबानी से बताएगा कितने समय तक पढ़ा, कैसे पढ़ा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन्होंने अच्छी मेहनत की है और उसका परिणाम आपके सामने। तो मैं सबसे पहले नरी जी से आग्रह करता हूँ कि इनका मालार्पण करें। ताली बजा दे भाई जोरदार। और मैं स्वयं भी इनका मालार्पण करता हूँ। ताली में कम मत रुको यार, देश का दिक्कत। कोई अगर हम हार्ड चीज समझते कि ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। कितनी भी कोई चीज हार्ड होगी, अगर आपका एक टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, तो वो आसान बन जाएगा। और वह समय आपके सामने इनको लाने का जरिया, चार हम बार इनको माला पहना के भेज देते हैं, आपके सामने लाने का जरिया ये है कि आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको देखकर आपके अंदर एक जज्बा जगे और पढ़ाई में लग जाएं, रनिंग में लग जाएं। इस कारण आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो हम पवन सेन की मुखजबानी से सुनेंगे, ऐसे मिठाई खिलाएंगे इनको अलग से, इनके पिताजी भी आएंगे, माला उनको पहनाऊंगा, उससे ज़्यादा पहले आना पड़ेगा पापा को, ठीक है। दो सब पवन खुद ही बताएं, ये सभी आर्मी में आ जाए। यहाँ पर तैयारी मैंने भी 3 साल की कंटिन्यूसली, तो मेरा भी पहले टारगेट कुछ और ही था, बाद में फिर मतलब अगर नहीं कुछ और ही करना चाहिए। आप भी अपना लक्ष्य पे चले, और वैसे तैयारी कर रहे हैं तो हम जल्दी से वैसे कुछ बहुत मिलती है और आपको सीखने के लिए। देखो आप लगातार दौड़ करते रहना, दो दो तीन तीन साल तक लगातार आर्मी की पढ़ाई करना, और ये भी उसी टीम का शामिल सदस्य है जो दो लड़के पहले आके गए, अगला रिटर्न फेल हुआ। लेकिन ये अगला रिटर्न फेल नहीं हुआ था, फेल हुआ था पॉइंटों में रह गया था, और इस बार इन्होंने मेडिकल पॉइंट मिला था। भगवान का, पेरेंट्स का सारा था इनके साथ, मेडिकल फिट हो गया था, और मेरे हिसाब से शायद आपकी लास्ट भर्ती थी ये था। और मैंने ये सुना था आप सही कह रहे थे कि कोई एक दो दिन चार दिन का ही अंतर रहा था। यानी 1 अक्टूबर से फॉर्म की लास्ट डेट थी और 9 अक्टूबर का जन्म, यानी कि 5-7 दिन का अंतर आ रहा है। अगर वो भर्ती लेट आती तो ये आज फोर्थ लाइन में नहीं और बस समय। और ये ओवरऑल के बेच में आए थे, फाउंडेशन बेच के धीरे धीरे ये इसमें आर्मी की तैयारी करने लग गए, और बच्चों को देखकर उस माहौल में डल गए कि मेरे को भी सेना में जाना है। कॉलेज ग्राउंड के अंदर ये दौड़ लगाते, कभी कहाँ लगाते, और हम देखते थे अपने घर से यहाँ पढ़ने आते, पैदल आते, कभी कभी हम गाड़ी पर साधु बिठा के लेके आते, कभी कभी हमेशा नहीं। लेकिन इनको पिछली बार कोर्स कंप्लीट कर रखा था, ये चीज़ें मैं वापस पढ़ा रहा आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे इनको वापस पढ़ा रहा, इन्होंने नया रजिस्टर डाला, नए सिरे से वापस लिखना शुरू किया। चाहता तो पहले लिखा हुआ है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आपको आता है तो भी हमें डेढ़ होशियार नहीं बनना है, पढ़ाई में कमी नहीं रखना है कि अरे चीज़ आता हो सकता है इसमें कुछ नया मिल जाए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और कोई इनको कहना तैयारी के गुण कोई फायदा हुई यात्रा अगर यहाँ पर पढ़ रहा तो वैसे बेनिफिट आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार तो सफलता मिलती नहीं है, मैंने भी देखा 3-3 बार सफलता मतलब टाइमिंग चलती गई चलती गई और लाइफ में आगे मिल ही गई, और कंटिन्यूसली आप भी पढ़ते रहो मतलब ज़्यादा ही फायदा है इसमें, नहीं तो उसमें तो किसी में तो होगा होगा, लिखी तो होगी आपके लिए कुछ ना कुछ होगी, ऐसा जरूरी थोड़ी कि बस मेरा ये था कि मेरे को लगने या लाइफ में नहीं होता तो दूसरे में जाता,
तो लगना तो था ही, बस ये सोच रहा था कहीं से कहीं लगना ही का तो आपको बोल रहा है। आप कभी भी छुट्टी मत लीजिए, मैं तो ये मानता हूँ अगर छुट्टी ले लो तो आप अपना ही मतलब 110% उस दिन वो 10% आप पर कहीं ना कहीं चल जाएगा, अगर क्योंकि वो दूसरा लड़का आएगा वो तो लेके जाएगा 10% आपसे, और 10% में आपका डबल हो जाएगा वहाँ के लिए, क्योंकि 10% पॉइंटों में रहना मतलब ये आदमी आप भी जानते हो अच्छे से समझ लो पढ़ाई आप डेली करते हो कि पॉइंट में रहने वाला आदमी कितना अंदर से भी टूट जाता है, ज़्यादा से रहते तो फिर लगता है अपनी गलती है, पॉइंट में रहते तो फिर लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता हार गए, तो उस दिन की छुट्टी लेने से तो बढ़िया है कि उस दिन आगे प्रैक्टिस करें, भले 2 घंटे ही पड़े घर पे या 2 घंटे यहाँ आके पड़े, भले कोई दिक्कत नहीं, तो वो 2 घंटे उस दिन छोड़े ना रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, कि आप जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहेगा ना वो तो सीट लेके जाएगा ही जाएगा, ये नहीं कि 2 महीने खुल लिए बस हो गया ठीक है, कंटिन्यूसली जो प्रैक्टिस में रह रहा है वो आपसे आगे निकल रहा है 10 गुना आगे जा रहा है, तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि 10 गुने में 100 गुना लेकर जाएगा और आपके 10 गुने भी लगेंगे, मैं तो मानता हूँ रेगुलर प्रैक्टिस में आओ सर के पास, क्योंकि मैं भी रेगुलर ही था सर, हाँ हालांकि मैं फेल हो गया उसके बावजूद भी मैं सर के पास आया था, वही नोट्स लेता हूँ मैं रेगुलर पढ़ता गया फिर मेरे को वहाँ ज़्यादा फायदा मिला, इस बार मैंने पुनः जैसे 50 क्वेश्चन आते थे 45 कर लिए थे, एक भी गलत नहीं किया, सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत किया, मैं सर को तुरंत बाहर निकलते सर 44 आंसर राइट है, पेपर देखिए बच्चों ने जो भी आया सब ने मैसेज किया मैंने इतने राइट पेपर भी भेजे सर ये क्वेश्चन है ये हमने किए हैं, तुम्हारा और सर ने पहले कह दिया तुम्हारा होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, ये कॉन्फिडेंस देते हैं ना गुरु जी कहीं तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, फिर तैयारी में करके तैयारी करने के बावजूद भी मैंने ये सोचा था कि मैं लास्ट में ही जाऊँगा, क्योंकि पहले पहले आ गया था तो मेरे को लगा कि ओपन थैली सर को यहाँ दिमाग में लग जाती ना कि भाई ये सफलता मिल गई सफलता मिल गई, ऐसा ना करें कभी ऊँची में ना आए कि अपन ने दौड़ पास कर लिया वो कर लिया तो अपन ऊँची में आ जाए, हाँ मन तो लग गया बस, कोई कोई वक्त बच के जल्दी ऊंची में आ जाता है गुरु जी को भूल जाते हैं, उनका सम्मान करना ही भूल जाते हैं कि हम ऊंची में आ गए, हमने मेहनत की है जो की है, ऐसा ना करें कि सिखाने वाले 0 से 2-10 तक लाने वाले वही हैं जो आपके बीच जो आप मेरे को भी कुछ नहीं आता थे, जो सर कहते हैं कि भारत की राजधानी का ये भी नहीं आता था मेरे को यहाँ पर आया था, सर ने सिखाया मेरे को शुरुआत से एंड तक यहाँ, तो लाने की वजह भी की है यहाँ पर मेरे को, एक टाइम ऐसे भी था मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं मेरी सबका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ही होता है, कैसे भी नहीं करता मैंने को तो मेरे पास पैसे नहीं काम भी करता था सर को तो पता है मैं काम कर चुका हूँ, बिल्कुल है सर का ही मेरे ऊपर हाथ में दोनों सर का नहीं मैं जैसे यहाँ देता हूँ, फिर मेरी सफलता भी सर के नाम ही यहाँ देखो जो बच्चा पढ़कर इस तरह से सिलेक्ट होता हमारा वैसे सीना चौड़ा हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है, काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं कि यार आप लगे नहीं या आप तैयारी नहीं कर रहे, आप आज ही इतनी देर 2-3 घंटों में आपने देखा हुआ कितने लोग सिलेक्टेड किया है, इतनी मेरे को खुशी मिलती है वो मेरे को नौकरी लगने के बाद नहीं मिल पाती, लेकिन नौकरी लग जाता मेरे को इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट हो रहे, और यहाँ का एक सिस्टम है जिनके माता पिता नहीं है उनको हम फ्री पढ़ाते हैं, जिसके माता पिता नहीं उसको किस कैसे पढ़ाते हैं फ्री, कोई चार्ज नहीं, और जिसके दोनों में से एक नहीं वो हाफिस में पढ़ता है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ ब्यावर के आसपास जो भी गांव डाणी जहाँ भी ऐसे कोई बच्चे हैं जो प्रतिभा है जिसके माता पिता नहीं पढ़ाने के सोर्स नहीं है उनको आप यहाँ लाए, किताब भी दूंगा और पढ़ाऊंगा भी, और जिसके दोनों में से एक नहीं है उसको हाफिस में पढ़ाऊंगा, और फिर भी कोई आदमी गरीब है आपको लगता है उसको भी यहाँ लाए, हम कोशिश करेंगे मदद करेंगे पूरा स्टाफ मिलकर, और ये संस्थान हमेशा तत्पर रहेगा, पहले न्यूमोनिक की फीस थी आर्मी की 10,500 रुपये, अभी फीस कितनी है 8,200, फीस बढ़नी चाहिए इतना रिजल्ट देने के बाद या घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, तो हमने घटाई फीस क्यों, आप लोग सच्चे भाई बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो मैंने फीस को क्या किया कम कर दिया, और हमारा प्रयास रहेगा नरेश जी ने भी ये कहा है कि कम से कम फीस की जाए और ज़्यादा, और आपको पता रोज़ टेस्ट होता है, अब टेस्ट में हमारा खर्चा कितना आता है अभी जोड़ लोगे ना आप, दिसंबर जनवरी में कब एग्ज़ाम होगा, अभी आपने एडमिशन लिया है तो मेरा खर्चा आप पाओगे कि सर बराबर हो गया, डेली टेस्ट हो रहा है और मार्कशीट पे हो रहा है, कचोरी वगैरह आती रहती है, अब आज समय 1 घंटा नहीं पढ़ाया जाता, दूसरे संस्थान में कैसे पढ़ाया जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा लास्ट है,
आपको तीन तीन चार चार घंटे पढ़ाया जा रहा है, वो एक बड़ी बात है। टीचर का पेमेंट लगता है हर बात समय और निःशुल्क पढ़ते। जैसे अभी आप बताएं इसमें कौन ऐसा स्टूडेंट जिसके फादर नहीं है और आधी फीस में पढ़ा, चलो ये नया बेच है, देखो हाथ खड़ा करें, ये देखो आप एक और दो। अभी आप लगभग 15 लोग बैठे हैं, 15 में दो लोग अगर इसका आर्थिक लाभ का फायदा उठा रहे हैं तो पूरे दिन हर बेच में कितने स्टूडेंट होंगे हर बात समय जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ। और आगे भी ये प्रयास रहेगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पूरा बेच ही ऐसे बच्चों से भर जाएगा तो भी हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि मना करेंगे, आप उनको इतला करें और उनको यहाँ पर भेजें। धन्यवाद, जय हिंद।